तो ये है हमारा शूज़ का कलेक्शन हमारे पास अभी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे एमएसकियंस, क्या हाल है? सब कुछ बढ़िया है? पिछले 2 दिन से मैं कपड़े धो रहा हूँ, अभी भी मेरा कपड़ा धोना ख़त्म नहीं हुआ है, आधे कपड़े सिर्फ धुले हैं। पूछो क्यों, पूछो तो सही, मैं बताता हूँ ना, पूछो। क्योंकि तूने 1 महीने से धुला ही नहीं है तूने कपड़े। हाँ, एक महीने से? ए चल एक महीने देख से नहीं धुला। देख इतने पड़े। ये कपड़े जो अभी धोने हैं, ये जो कपड़े हैं ये सूख रहे हैं, और क्या बोल रहा था, ये दूसरा राउंड है, ये दूसरा राउंड है एक इससे। तीसरा राउंड बचा हुआ है, ये दूसरा हाँ लौट है। मतलब कि पहले मेरे कपड़े सूख रहे थे, वो सूख के हो गए तो उसको हमने निकाल लिया, फिर कपड़े धो के फिर रखे हैं, फिर कपड़ा धोना है, फिर यहाँ पर रखना है। बचे हुए कपड़े आपने तो देख ही लिया। मैं ना ऐसे रेगुलर कपड़े धोता नहीं हूँ, 7 दिन 10 दिन बाद सारे जब कपड़ा जमा होते हैं ना उसके बाद ही मैं कपड़े धोता हूँ। तो ये काफी 10-15 दिन का स्टॉक है, 1 महीने का स्टॉक नहीं है, समझा क्या? हाँ मजनू बता, उनको सच्चाई बता, कितने दिन का स्टॉक है? क्या बताएगा बेजुबा जानवर। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। जब कोई नया ट्रिप शुरू होता है उस ट्रिप का एक एक्साइटमेंट होता है, एक हड़बड़ी होती है, तो वो जो टाइम है वो शुरू हो चुका है, एक्साइटमेंट एंड हड़बड़ी। हड़बड़ी ये है कि बहुत सारी चीजें कम समय में करनी होती है, और साथ साथ में मतलब पीछे पीछे एक्साइटमेंट वाला भाई भी बोलता है, अरे और मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, वही चल रहा है। सबसे पहला जो काम है वो जो कल हमने शूज खरीदा था, जहाज, एक शूज था फिला का और दूसरा शूज था नाइकी का, जनार्दन झाकर, वो शूज लेके आएंगे। शफीक को लेके चलेगा क्या? शफीक के पास एक बाइक है जिसका नाम है एम्बुलेंस बाइक, और शफीक खुद एक एम्बुलेंस है हर जगह। क्या करो जी, है कि हाँ नहीं, यार तो हर है, टाइम जरूरत पड़ता है ना। हर टाइम जरूरत। हाँ सूस का नाम तो बता। जनाकर, जनार्दन झाकर। बताना पड़ता अपना सच्चाई व्लॉग है तो मैं बता देता हूँ। जब मैं बोल रहा था जनार्दन झाकर शूज, तो इसने बोला जनार्दन झाकर, मैंने बोला वापस सेम टू सेम कैमरे में वो एक्सप्रेशन दे, लेकिन इसे हो नहीं पाता बेचारा, ये भी नया नया खिलाड़ी है। जनार्दन झाकर मैं तेको समझाता हूँ, रॉक स्टार में रणबीर कपूर का नाम क्या होता है? जॉर्डन। जॉर्डन तो बाद में पड़ता है, पहले उसका नाम क्या होता है? जनार्दन। जनार्दन झाकर। हाँ शूज का नाम जॉर्डन है, लेकिन अपन उसको बोलेंगे जनार्दन झाकर, ठीक है? क्या अपना रॉकस्टार फेवरेट मूवी। आज हम चलाएंगे हमारी एम्बुलेंस बाइक, उस पर है जगह, लेकिन क्या है कि ऊपर एक आदमी बैठने के लिए उसको ना ऐसे सेकंड फ्लोर पे बैठना पड़ता है, और वो शूज़ का बॉक्स भी जो है बड़े बड़े हैं। ये बाइक हर जगह पे काम आता है। क्या हालत कर दिया यार, ये बिल्ली लोग ने किया है क्या? इधर स्क्रैच उधर स्क्रैच, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इसको भाई। हम लोगों ने घर से निकलने का टाइम ही गलत चुना, ट्रैफिक है। पहले मैं ये सोच रहा था कि शफीक को भेज दूँ शूज़ लेने के लिए, लेकिन मेरे को बांद्रा जाना ही था, बांद्रा में काम है। मैंने सोचा चलो यार, मतलब खुद ही चले जाते हैं, खुद ही ले लेते हैं, खुद ही ले लेते हैं, मतलब देखो वैसे भी हेल्प लगेगी एक इंसान की, तो शफीक तो है साथ में। कह रहे बाबा जुमेरात है क्या? हाँ इसलिए इतना भीड़ है। अरे दरगे के पीछे क्या सनसेट हो रहा था यार, क्या मस्त दिख रहा था। ये खजाना है, खजाना लड़कियों के लिए, बहुत सही से कलेक्शन है इन लोगों के पास। ये मेरे कॉलेज, आरडी नेशनल कॉलेज, और मेरे कॉलेज के सामने इतना बड़ा मार्केट। देखो लड़कियों अगर आपको शॉपिंग करना है ना, तो ये लिंकिंग रोड पे मार्केट लगता है, यहाँ पर आ जाना, बार्गेनिंग करने आना चाहिए एकदम तगड़ी वाली। ये ले पकड़, क्यूटीज लोग, कितना प्यारा है ये। शफीक ने शूज देखा नहीं था कि कौन सा लिया हूँ, अब वो देख रहा है। कैसन बा डाल दे। ये जो शूज है फिला वाला, ये शूज का नाम है फिला MB। ये वाला देख, दूसरा वाला, ये देखेगा ना मजा नहीं आया ना, पैसे वापस। रंगीला, ये अपने कैरेक्टर पे जाता है। ये शूज का नाम है जॉर्डन, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, 4.0 समथिंग कुछ है इसका, ज्यादा छू मत टैक्स लगेगा। चलो यहाँ का काम कंप्लीट। चाबी दे, चाबी नहीं दी है, और गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। हो जाएगा ना, आराम से बैठ लेगा ना, पीछे बैग में अपना सिर्फ कैमरा है, वो ध्यान देना। और अभी हम लोग आए थे ब्यूटी हब में, यहाँ से हमने लिया है, क्या लिया है वो बताने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर भी है, ये है जीतू भाई। कल जब मैं आया था तो आपने बोला क्यों नहीं कि मैं आपको जानता हूँ करके? मास्क पहना हुआ था ना आपने। अच्छा ये पहचाना नहीं पड़ेगा। अच्छा तो ये लिया मैंने एक हेयर ड्रायर एंड मिनी आयरन, ये काफी पतला है, इसको खोल के दिखाओ ना, तो मेरे हाथ में पूरा समा जा रहा है, तो ये अपने बालों के लिए काम आएगा, एंड वन हीट प्रोटेक्टर। थैंक यू जीतू भाई, इन्होंने डिस्काउंट भी दिया अपने को। ये है आज का लेखा जोखा, एक बार फिर से शूज देखने का मन कर रहा है यार। 1 2 3 टन टन। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे पास शूज के जितने भी कलेक्शन है ना, आज निकाल के देख लेते हैं क्या क्या है अपने पास। मेरे पास ना ऑलरेडी एक स्ट्रेटनर और ब्लो ड्रायर था,
वो ये काफी छोटा था साइज में, बट इसमें पावर कम था। ये वाला है, इसका भी साइज छोटा है, लेकिन जो मैंने आज जो लिया ना उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। आज जो लिया वो वाला ब्लो ड्रायर और ये पहले वाला, ये छोटा है पावर कम, ये थोड़ा बड़ा है पावर ज्यादा है। अब जो बाल है उसके लिए थोड़ा ज्यादा पावर की जरूरत है। ये वाला पहले का और ये वाला इधर, काफी छोटा है। मेरे सारे शूज मैं रखता हूँ यहाँ पर। ये जो कबर्ड है इसमें मैंने अपना नीचे वाला जो फ्लोर है वो बनाया शूज के लिए। सो आप देखोगे सारे शूज यहाँ पर है। अब ये शूज एक एक करके हम निकालेंगे। कुछ शूज मैंने बाहर शू रैक में रखे हैं, वो भी लेके आते हैं। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 ले। शफीक ये दो शूज लेके आ जाना, आ जाओ गौरव जी अंदर आ जाओ। अब हम निकालेंगे सारे शूज बाहर, बॉक्स का डब्बा जमा करते हैं। मैंने आज तक कभी काउंट नहीं किया कि मेरे पास कितने शूज हैं। मैं सिर्फ खरीदता था और वहां पर जमा करते जाता था। आज फाइनली इसी नए शूज के चक्कर में आज हम देख रहे हैं कि कितना शूज अपने पास है। मतलब एक बहाना मिल गया मुझे शूज चेक करने के लिए। आ मजनू तू भी आजा हेल्प करने के लिए, आजा। ये हमारे पुराने कलेक्शन, इस कलेक्शन में दो नए शूज ऐड होंगे। ला क्रेज, आराम से ये जनार्दन झागर शूज को तू इज्जत नहीं दे रहा है। इसको हम सबके बीच में रखेंगे। ये है बढ़िया शूज, जिसकी हाइट कम हो पहन सके। फिला MB ओके। कितना अकाउंट है गिन? 2 4 12 13 14 15 16 17 भरोसा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 20 21 22 23 भरोसा नहीं है। 23 जोड़ी जूते हमारे पास है। वाह, और कुछ आने बाकी है? और बहुत कुछ आना बाकी है अभी जिंदगी में। और इसमें मतलब सब मिक्स है, मतलब इसमें राइडिंग वाले भी हैं, इसमें रनिंग वाले भी हैं, इसमें ऐसे स्टाइल वाली स्वैग वाले और इधर उधर जाने के लिए भी हैं। तो सब तरह के शूज हैं इसमें। ये स्नो वाला शूज है, ये बूट है, मतलब ये भी फैशन वाला ही समझ लो एक तरह का। ये राइडिंग शूज है, वो भी राइडिंग शूज है, वो भी राइडिंग है। एंड देन थोड़े मतलब आप देख ही लो। अभी भी शॉपिंग खत्म नहीं हुआ है, अभी मुझे जाना है डेकैथलॉन में। वहाँ पर ऑलरेडी मैंने बात करके फैजल भाई से सारा चीज़ जो मुझे चाहिए मैंने साइड में करवा दी है। बस जाना है, पिक करना है। शॉपिंग इज लव, खुशी मिलती है शॉपिंग करने से। हालांकि ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने खरीदे थे अभी तक यूज़ नहीं किया, लेकिन शॉपिंग करने में जो मज़ा आता है वो अलग क्रेज है। इंडिया का और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, स्कोर है 136-4। अभी जो सामान लेना है डेकैथलॉन से, अगर शॉपिंग नहीं भी आएगा तो भी मैं टॉप बॉक्स में डाल के लेके आ सकता हूँ। तू चलेगा तो बोल, मैच देख ले लो। मैच के आगे कुछ नहीं, मतलब इसको मैच इतना प्यारा है। वैसे मैं जाऊंगा वैसे पीछे बैठूंगा, टॉप बॉक्स पीछे बैठ के लेके आया, टॉप बॉक्स काम कर सकता है। हाँ मतलब वो सामान टॉप बॉक्स में तो आ जाएगा, तेरा जाने का होगा मतलब नहीं। तो देख ले मैच देख ले, फिर बता देना क्या हुआ मैच में, कौन जीता कौन हारा। इम्पोर्टेंट मैच ही है, ठीक है देख ले मैच। डन। उस दिन हम लोग गए थे भाउचा धक्का मछली लेने के लिए। मैं ये शूज पहन के गया था और उसको अभी तक धोया नहीं हूँ। सारे मछली के जो वो होता है ना उनके बदन के ऊपर, वो सब मेरे इधर पे दिख रहे हैं। ये देखो, धोना पड़ेगा इसको। चलो टॉप बॉक्स भूल गया मैं, सॉरी ब्रदर, तेरे को तकलीफ दिया। मेरा काम कर रहा है। आज तेरा काम ये करेगा। चल मैं जाके आता फटाफट। और राइट, सो यहाँ पर जो सामान मैंने लिया है वो सारे के सारा डाइविंग से रिलेटेड है। और ये जो ट्रिप है इस पे हम करेंगे डाइविंग। तो गेस करके बताओ कि ट्रिप कहाँ होने वाली है, थोड़ा सा कमेंट करके बताओ यार। जिस तरह से आप लोगों ने बाइक गेस किया था उस तरह से ये भी गेस करो ना, मज़ा आएगा यार। तो सबसे पहला स्पेशल जूते हैं ये जूते, मतलब ये पानी वाले जूते इसको कहते हैं। ये है पूनम के लिए, मेरे लिए मैंने ये लिया है, ये मेरे लिए है। मतलब ये जो जूते हैं ये बीच वाले हैं, बीच पे अपन पहन के उसको चल सकते हैं, इसको गीले कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बहुत अच्छा होता है ये। एक ये शॉर्ट्स है, ये रैश गार्ड है, ये भी रैश गार्ड है लेकिन ये हाफ स्लीव्स में है, हाफ नहीं मतलब पौना स्लीव्स कह सकते हैं उसको। एक और शॉर्ट्स, एक चप्पल बीच पे खेलने के लिए। ये चलो भाई आराम से, अपना सामान आ गया। चल मेरे शेर खान, ये किसी ने ना यहाँ पर उंगली किया था, देखो लाइट चालू है। बहुत गुस्सा आता है ऐसा, कोई भी ना ऐसा उंगली करता है मेरे सामने, ऐसा कुछ करता हुआ दिख गया ना पता नहीं मैं क्या करूँगा। ये बाहर वाला लाइट अगर चालू है ना तो ये बैटरी बहुत खींचता है, तो क्या गुस्सा थूक दिया मैंने। हे कैसे हो, अस्सलाम वालेकुम। आज खाने में है चिकन
दाल एंड रोटी। देवियों और सज्जनों, हमारी जो बाइक हमने बुक किया था, जिसका नंबर आ गया था, वो बाइक अभी रेडी है डिलीवरी के लिए और हम ले रहे हैं कल जाके डिलीवरी। नेक्स्ट वाला जो व्लॉग है, उस व्लॉग में हमारी बाइक की डिलीवरी होगी और उसी के इर्द गिर्द व्लॉग होगा। तो ज़रूर आइएगा हमारी यूट्यूब की दुकान पर। तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। जनार्दन झाकर, ये कैसा सूझे? नकली लग रहा है बहुत। ओवर ओवर हो रहा है। नहीं तो जो नेचुरली पूछा था वो पूछना। जनार्दन झाकर, ये क्या?